नमस्कार, बिहार संवाददाता देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आपको बता दें, आज बीजेपी को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि आपको बता दें जातीय जनगणना के विरोध में जो याचिका दायर की गई थी हाईकोर्ट में, उसको आज हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है, जिसको लेकर आज राजद कार्यालय में एक प्रेस वार्ता रखा गया है, जिसमें राजद के अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इस फैसले से किसी भी पार्टी की जीत या हार नहीं हुई है, बल्कि इससे जो भी पिछड़े लोग हैं उनकी पहचान के लिए ये जरूरी है। देखिए क्या कुछ कह रहे जगदानंद सिंह। क्या गणना पर फैसला हुआ है उसके बारे में आम लोग चर्चा करना चाहते थे। फैसला आ गया 1 बजे के आसपास और फैसला आया जातियों की संख्या की पहचान के लिए जो बिहार की सरकार प्रयास कर रही है, जो शिक्षा के रूप में, समृद्धि के रूप में, जो सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, सरकार उसकी पहचान करनी चाहती है। और यह एक ऐसा पवित्र काम है जिसको रोका नहीं जा सकता है। ठीक से ख्याल करिएगा, एक ऐसा पवित्र काम है जिसको रोका नहीं जा सकता है। और इसके पीछे उद्देश्य क्या है? विकास। जो विकास के अंतिम पादान पर छूटे हुए हैं उनको इस देश की, इस राज्य की मुख्य धारा में उनको कैसे लाया जाए, कैसे उनको शिक्षित किया जाए, कैसे उनके रहन सहन स्तर के लिए हम उनको ऊपर करके राष्ट्र के एक नागरिक रूप में मजबूत नागरिक बना सकें, निरोग बना सकें, पैरों पर अपना खड़ा कर सकें। एक लंबी लड़ाई राजद लड़ता रहा है। जब पार्लियामेंट में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी ने, उनके जो 4 ही साथी गए थे उनके साथ बिहार में, लेकिन लड़ाई लड़ी। ये किसी पार्टी के खिलाफ उनका संघर्ष कभी नहीं था, बल्कि जो कमजोर वर्ग है, जो है जो निराश, कैसे उनके लिए एक भारत के भीतर, बिहार के भीतर उचित वातावरण बनाया जाए, उसकी लड़ाई है। और लोगों ने क्या कहा? इससे जात पात पैदा होगा, जात पात मजबूत होगा। समाजवादियों ने बराबर लड़ाई लड़ी है कि हम जात पात पर विश्वास करने वाले नहीं हैं, हम चाहते हैं जात विहीन समाज हो। जातियों के नाम पर किसी को श्रेष्ठ बनाना और जातियों को नाम पर किसी को अछूत बना देना, ये भारत के लिए सबसे शर्मनाक चीज है। लड़ाई लड़ते 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 भारत की सरकार से वो महसूस कराया गया, मंजूर कराया गया, जनगणना होगी, एक कालम बढ़ाया जाएगा, उसकी आर्थिक स्थिति लोगों की कैसी है। स्पेशली भाई कौन है, कौन कौन लोग निराश, कौन लोग है अनाथ, कौन है, इसकी ये गणना करके इस देश में ऊपर उठाने का काम किया जाएगा। भारत की सरकार ने माना, हालांकि जनगणना की शुरुआत में इसको नहीं लोगों ने शुरू किया था, अनेक को तर्क दिए गए थे, और लंबे समय से इसकी जनगणना नहीं हो रही है, इसलिए जनगणना से जातीय कटुता बढ़ेगी। लेकिन इस तरह की कहने वाले ना समझ लोगों की बात उस समय नहीं मानी गई। मनमोहन सिंह जी
सरकार और माना गया कि जनगणना होनी चाहिए, जनगणना होनी चाहिए। और जनगणना में एक कारण जोर संस्कृति, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, पिछड़ापन और शैक्षणिक योजना के आधार पर कि कौन समूह है जो बिल्कुल समाज के लिए त्याज्य बना हुआ है, जिन्हें सदियों से अधिकार नहीं मिला, सदियों से उनको अनाथ बना के रखा गया, प्रकृति ने उनको अनाथ नहीं बनाया था, भारत की व्यवस्था ने सदियों से उनको अनाथ बना के रखा। कभी शूद्र कहा, कभी अशूद कहा, धीरे धीरे हमारे सामाजिक जो हमारे नेतृत्व करता थे उनमें चेतना भरी और उनके भीतर की एहसास कराया गया कि नहीं, ये भी मनुष्य है और जो राष्ट्र के नागरिक हैं तो इनको अधिकार मिलना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में कहा राजनैतिक समानता आई है, लेकिन सामाजिक आर्थिक समानता नहीं है। अगर ये नहीं आएगा तो लोकतंत्र हमेशा भारत में खतरे में रहेगा। एक उस समय एक वोट के अधिकार का जिन्होंने नकारने का काम कर रहे थे, लेकिन उस समय की हमारी संविधान सभा ने सबको एक वोट का अधिकार देकर के राजनीतिक ताकत सबको बराबरी कर दिया। एक वोट का अधिकार किसी को विशेष अधिकार है। अरे सचमुच आज आप देख रहे हो नौजवान साथियों, अभी आपका भविष्य बहुत लंबा है, किस तरह से विकृत समाज हो चुका है। पैसे लोग लड़ा करके आज के शासक लोग एक जुल्मी शासक बना करके किस तरह से इस भारत को कमजोर तबाह कर रहा है। सवाल उसका ये नहीं है कि किस भूगोल के रहने वाले हैं, सवाल ये नहीं है कि धर्म के रहने वाले हैं, उन्हें कट्टा फैलाने का काम कर करके उनको सताने का काम किया जा रहा है। समाजवादियों का शुरू से रहा है जगता जी से, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से, अच्छा नरेंद्र जी से, बात की हमारे नेताओं ने कहा मधुले में हो, राजनारायण हो, कर्पूरी ठाकुर लोग, सभी लोग इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। आज उस संघर्ष पर मुहर लगी है। हम सब लोग माननीय उच्च न्यायालय को एक ही कहना चाहते हैं, आपने कमजोर वर्ग को न्याय देकर के इस संविधान और विधान के प्रति मुझे जुड़ने का काम किया है, आशा मुझे मन में बनाने का काम किया है। नहीं, आप नागरिक हो और बिहार की सरकार बाद में तीन तीन बार इसको विधानसभा में स्वीकृति दी। भारत की सरकार ने भी कहा कि कोई इसमें अवरोध हम नहीं है, हम नहीं कराएंगे, राज्य सरकार करा ले। बिहार की राज्य सरकार ने इसको शुरू किया, लंबे संघर्ष के बाद जरूरी से शुरू किया। बीच में एक दो स्टेज आने के बाद तीसरी स्टेज में आने आने तक इसको रोक दिया गया। ये जनगणना होती ही है भारत की योजना के लिए, लेकिन समग्र योजना में भी उनके लिए योजनाएं नहीं बन पा रही थी, जो सचमुच बिल्कुल पिछले पायदान पर है, जिनका जीवन जीना भी दुर्भर हो चुका है। उनके बारे में भी तो चिंता करने वाले समाज के लोग हैं और सारे समाजवादियों की विरासत को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी पार्लियामेंट से लेकर के समाज में ललकारते रहे, कटुता फैलाने के लिए नहीं, अधिकार दिलाने के लिए। धरती को बताओ जब सभी जीव समान है तो अधिकार क्यों नहीं मिलेगा। ये हम लोग कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये ना समझी बातें क्यों कही जा रही है, क्यों कही जा रही है। विसंगतियों को दूर करना ही शासन का सबसे बड़ा कर्तव्य, परम कर्तव्य होता है।
इस विसंगतियों को दूर करने के लिए ये सारी बातें चल रही थी। आज 1 बजे परिणाम सामने आया है, अंतिम फैसले को सुना रहा। इतने अस्पष्ट शब्दों में लालू जी और उनके पुराने उनके समाजवादियों ने जो हमेशा कहा, इस तरह से आज माननीय उच्च न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा रिमांड करने के बाद आज उनका डिसीजन आया है। ऑन द एवर रीजनिंग लंबा चौड़ा दोनों तरफ के तरफ सभी आए हैं। ऑन द एवर रीजनिंग वी फाइंड द एक्शन ऑफ द स्टेट टू बी परफेक्टली वायलेटेड इनिशिएटेड विद द ड्यू कॉम्पिटेंस विद द लेजिटिमेट एम ऑफ प्रोवाइडिंग डेवलपमेंट विद जस्टिस डेवलपमेंट विद जस्टिस। I proclaim in the address of the both houses and the actual survey to have been neither exercised nor contemplated any question dividing the details and having part the test proportionately, thus not having violated the right of privacy of the individual, especially since it is the furtherance of the comparing public interest which is in effect is the legitimate state interest. इसके बाद कुछ बाकी देंगे बिहार राष्ट्रों फिर एक बार देश की दिशा दी है, फिर एक बार देश की दिशा दी है। जगह जगह का कार्य हुए थे लेकिन न्यायालय ने चुनौती कहीं नहीं ली गई, लेकिन यहाँ पर कदम कदम पर लोगों ने अवरोध पैदा किया। लेकिन आज सर्वोच्च न्यायालय के रिमांड के हुए केस पर हाई कोर्ट के डबल बेंच ने जो फैसला दिया है, कहा है ये किसी के अधिकार को छीनने के लिए नहीं, किसी पर दबाव बनाने के लिए। एक शर्त को कि जो आईटी एक्ट है उसके तहत जो सेक्रेटरी दी गई है ये फॉर द डेवलपमेंट है, उस सेक्रेटरी को कोई नहीं बताने की जरूरत, कहाँ पे बताता है, क्या जरूरत है इसको हम गांव में हल्ला करें कि कोई बात है, ये बिल्कुल दरिद्र है। अरे है तो गांव जानता है, किन लोगों ने दरिद्र बना के रखा सदियों तक, एक सारा देश जानता है। इसमें हम क्या प्रचार कर रहे हैं, जो मैं आप लोगों के सामने कह रहा हूँ ये प्रचार के लिए नहीं कह रहा है। हर स्थिति यही है इस वंश की, हर इंसान इसको जानता है। प्रकृति ने किसी को नहीं कहा था ये अछूत और ये अनुच्छ रहेगा, कहा था मनुष्य हो बनावट में मनुष्य हो उसको भी भूख लगती है। जगदी बनवाओ को भी कवि कहा करते थे, मुझे याद है हम लोग सुनते थे, भूख संघर्ष ही होती है, राजा हो या रंग रोटी की आवश्यकता सबको पड़ती है, भूख संघर्ष ही है। लेकिन क्या राज्य की व्यवस्था, अरे इस सिद्धांत को मान करके भूख मिटाने के लिए शिक्षा देने के लिए आदि पढ़ेगी तो क्या जरूरत है एक लब्ध के इतिहास को दोहराने का, नहीं, ये राजतंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र है। और भारत की संपूर्ण जनता ने अपने लिए संविधान को अपने द्वारा अपने लिए बनाया है, ये कोई ऊपर से आसमानी आदेश नहीं है। आसमानी आदेश के नाम पर बहुतों को सताया गया है, इस धरती का
वस्तु स्थिति यही है और इसीलिए जो आदेश आज आया है अपने आप में लोगों को सम्मान देने के लिए, प्रतिष्ठा देने के लिए, भूख मिटाने के लिए, शिक्षित करने के लिए, निरोग बनाने के लिए, राज्य के द्वारा प्रदत्त विकास का सब तक पहुंचाने के लिए यह फैसला है। इसमें किसी को क्या कराया जा सकता है? क्यों किसी को चाहता है कोई धरती पर ये नंगा घूमे? ये बच्चे जो सड़कों पर इतने छोटे छोटे बच्चे भीख मांगते हैं, ऐसे कोई दिखता नहीं क्या? इनको हम पढ़ने लायक बना देंगे तो ज्ञान भारत का बढ़ेगा, ज्ञान भारत का बढ़ेगा। और आज दुनिया ज्ञान ही संपत्ति है। अभी हम जितने ही ज्ञान को मजबूत करेंगे उतना ही मेरा भारत मजबूत होगा। हम लोग भारत के लिए फिर एक बार बिहार ने दिशा दी है लोगों को कि कैसे कमजोर गरीबों को लड़ते लड़ते चाहे जितना भी समय हो जाए अंतिम में उसके हक में फैसला बिहार के लोग करते ही कराते हैं, चाहे देश को दिशा भी देते हैं। इसलिए हम सब लोग विशेषकर जिन्हें सबसे बड़ी परेशानी तो सभी लोग इस न्याय व्यवस्था के प्रति अपना सर झुकाते हैं और इसी तरह न्याय मिलता रहे। तो आपने देखा जगदानंद सिंह ने किस तरीके से कहा कि इस फैसले से किसी भी पार्टी की जीत या हार नहीं है, बल्कि बिहार के जो भी वर्ग पिछड़े रह गए हैं उनकी बस जो आर्थिक स्थिति है उसको जानने के लिए जो है ये ज़रूरी है जातीय जनगणना कराना। आपकी इस वीडियो पर क्या राय है हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें बिहार संवाददाता। कैमरामैन दीप के साथ मैं साक्षी, पटना।